कोई बात नहीं, सुन नहीं है। डेढ़ फुट का फासला रखते, दो फुट का रखते तो आपके ब्रांचेस बिल्कुल सही है। बाकी इनके एंगल देखो सही आया है, ठीक है। अब जैसे ये मेन ब्रांच आ गई थी पास से, अब इस मेन ब्रांच में पहले देखो इनके आगे थे ना ये, इन्होंने हेड बैक करके पीछे ले आ दिया। हमारा मकसद ये है कि ये ब्रांच पे ही आपके छोटी छोटी ब्रांचेस आनी है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने पीछे काट के ले आ दिया, नहीं तो ये जमघट बन गया था। इन्होंने यहाँ से काटा, अब इसका रिएक्शन देखो अगले साल क्या हुआ। इसमें नई ग्रोथ भी आ गई, जो नई ग्रोथ पे आगे बीमे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और जो ये बीमा देखो, इस पे जो बीमा बन गया है बड़ा मोटा बीमा, इसमें जो भी फ्रूट आएगा या फ्लावर आएगा, बड़ा फ्लावर आएगा, सेट करेगा और अच्छा फ्रूट देगा। तो इस तरह से आपने धीरे धीरे करके ये 8-9 इंच पे आना है, ठीक है, और नई आपकी शूट निकल गई है। तो ये है कि आपने इस तरह से मतलब मेन ब्रांच पे ये तो लीडर रहेगा ही रहेगा। अब आने वाले टाइम में इसको यहाँ से काट दिया, ये लीडर डेवलप कर दो और मैं इसको निकाल भी सकता हूँ। ये बीमा यहाँ है तो बीमे इस पे हो गए, इस लीडर को हेड बैक करूँगा, थोड़ा सा आगे और ले जाऊँगा। लीडर की ग्रोथ को आगे ले जाना और ये साइड वाली को पीछे पीछे करके इसी में कंसंट्रेट करना, 6-9 इंच के डायमीटर, 6-9 ये थोड़ा बैक आएंगे, अभी धीरे धीरे करके आएंगे। इस साल क्रॉप ले लो, ठीक है। अगर इस बार देखो ये डेड हो गया है तो ये 2-3 बीमे यहाँ पीछे आ जाओ, ठीक है। अब ये नई शूट आ गई, नई शूट पे हमने इस साल लेना है मतलब क्रॉप। इसमें या तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, ठीक है, क्लिक करने के बाद इसमें बीमे आएगी, यहाँ से ग्रोथ और आएगी, अगले साल में यहाँ गेंग बनेगा, गेंग पे आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके पीछे आ जाएगा। अब नीचे इससे जब आप पीछे आते जाओगे तो ये इधर भी नई वो छूट जाएगी, नए शूट छूटेंगे। नहीं जो आप कट लगा रहे हैं उसमें रिंग आता है, किस में जो कट लगा, ये आ गया ना, ये देखो देखो अभी क्या होगा, ये काट दिया ना यहाँ, अगले साल क्या होगा कि यहाँ से ग्रोथ चली जाएगी, ग्रोथ जाएगी ना, जहाँ से ग्रोथ गई ना वहाँ गेंग बन गया अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए। और यहाँ बीमा पीछे जैसे ग्रोथ निकल गई, नहीं होनी ये ग्रोथ निकल गई, यहाँ पे कोई फ्रूट लग गया, अब बने लेने जाते वो तीसरी साल, तीसरे साल बने ना, मतलब अभी तो ये इस साल अभी काटा ना, नेक्स्ट वो रहे ना, तीसरी साल की बनेगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, यहाँ से शूट बन गया ना, शूट बनने के बाद उसमें रिंग बन गया दिसंबर तक, दिसंबर में अगले के बाद यहाँ उस रिंग से काटूंगा, तो पीछे तीसरे साल के लिए क्लस्टर बन जाएगा ना, अगले निकाल दूंगा और यहाँ से निकाल देगा। ये कभी नहीं निकालना कि आने वाले टाइम में ये आपको यही फ्रूट देंगे, बीमे अच्छे बनाएंगे, तो आपने ये खाली नहीं रखना, इसी से ही भगेगा आपको। इसके 2-3 तरीके हैं, या तो इस साल ये भी यहाँ से काट दिया, ठीक है, वीक होती तो वीक के पास काट देता, जैसे ये वीक आ गया ये टूट गई, ठीक है, नहीं तो वीक के पास भी काट देता। अब यहाँ बीमे बनते ग्रोथ भी आएगी, अभी अगले साल दोबारा पीछे आना, 2 साल पुरानी शाखा पे जो बीमा हो गया ना उसके बाद बीमे से काटो। अगर अभी मैं काटता हूँ इसको यहाँ से लग देंगे बाद तो यहाँ ये भागेगा, ठीक है, 2 साल पुरानी शाखा जब हो जाए उसके बाद बीमे से काटोगे तो भागेगा। इनको भी हम छोटा कर सकते हैं, इसको बिल्कुल छोटा करो, ये देखो ना डेड हो गए, स्ट्रॉन्ग बनाने आपने क्या करना, ये देखो 1, 2, 3, 4 बीमे, एक पांचवा भी है, 5, 25 फ्लावर आ गए इसमें। अब इसमें तो मेरे को 1-2 फ्रूट भी बहुत है, तो इसको रिन्यूअल में भी जा सकते हैं आप, कि मैं यहाँ से काट दिया इसमें एक ही रख दिया, जो भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है 1 या 2 रख दिया, है ना। तो ये खासकर जो बहुत पुराने पेड़ हो जाएंगे ना उनमें इस टाइप की प्रूनिंग चाहिए, और उनमें देखना कई जैसे बनते बनते ना ये पुराने आ गए, बस यहाँ से काट दिया मैं, देखो हेल्दी रह गए। और इसमें एक चीज़ और, एक डेड हो गया था एक रख दिया, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा 4-5 साल है तो यहाँ से काट दो, हो सकता है यहाँ से काटने से आपकी नई शूट गलत हो जाए। एक रिन्यूअल प्रूनिंग बोलते हैं एक पुराने पौधों के लिए जो बहुत पुराने हो गए आपके, जहाँ बीमे ही बीमे हैं, तो मतलब थोड़ी मेहनत की साल होगी, 1 साल आपको मेहनत करेंगे, टाइम लगेगा तो आपके थोड़े रिन्यू हो जाएंगे, नहीं तो पार देख रहा था मैं नीचे की तरफ झुके हैं
बीमे ही बीमे, मतलब नई ग्रोथ है ही नहीं, साल नए पुराने पुराने। अब देखो अगर आ गया तो यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें बीमा नया है सर, इस पर इस हेल्दी बीमा है, नया लग रहा है, तो मैं अभी इस साल इसको रिन्यूअल पे डाल देंगे। अब नीचे ये आ गया, हाँ ये बीमा नया है ना, अब ये आपके यहाँ मतलब मेन पाइप आ गई, हाँ ये मेन पाइप, इसको नहीं छेड़ना, इसको हेडबैक करना, इसको जाने देना, यहाँ ब्लॉक करनी है तो आप उसको वीक शूट के पास जाते हैं, यहाँ इसको आगे। ये तो वैसे भी सेकेंडरी है, हाँ नहीं नहीं ये तो सेकेंडरी है, ये तो लॉक ही करनी है हमने, मतलब कंसेप्ट ये रहना है कि भाई मेन पाइप में छूट बस मेन पाइप।